नमस्कार, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल मैथ्स लर्निंग पर स्वागत करता हूं। इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज डेट है 3 अगस्त 2020 और आज के दिन हमारे पूरे देश में रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। तो आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन स्पेशली भाई बहनों का पर्व होता है, जिसमें बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। साथ ही साथ वचन मांगते हैं कि भाई मेरा हमेशा मेरा रक्षा करेगा। ये एक प्यारा सा पर्व है बच्चों, इसमें माता पिता भी इन्वॉल्व होते हैं लेकिन ये भाई बहनों का ही पर्व है। तो चलिए, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 के बचे हुए क्वेश्चन को करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे, आज भी कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा और उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप अच्छे से समझ पाए। तो चलिए बच्चों, ज्यादा देर न करते हुए हम आज के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 tan 30° अपॉन 1 plus tan² 30°। ये जो होगा इसका वैल्यू जो होगा बच्चों कितना के बराबर होगा, हमको यही समझना है। पहला ऑप्शन है साइन 60, बी ऑप्शन है कॉस 60, सी ऑप्शन है टेन 60 और डी ऑप्शन है साइन 30। तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से सोल्व करके वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू निकाल के समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितना का और किससे मैच कर रहा है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर हम इक्वल लिख लेते हैं और ये ऐसे हमने बड़ा सा बटा ये वाला फ्रैक्शन दे दिया और 2 को मैंने 2 रखा और tan 30 का वैल्यू, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं बच्चों, आप मिला लीजिएगा, आप लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। आगे बढ़ते हैं, ये भी 1 है बच्चों, ये भी क्या है 1 है, 1 plus फिर tan 30 है 1/√3 का होल स्क्वायर। जस्ट इसके बगल में मैं यहां पे इसको एक स्टेप पे ले रहा हूं, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 2 से जो है ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, नीचे में मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। शायद आप समझ रहे होंगे ये 2/√3 हो गया और ये हो जाएगा 1 plus 1/√3 का स्क्वायर। आप 1 का भी स्क्वायर ले सकते हैं अगर मैं धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश करूं तो। एक स्टेप और बढ़ते हैं, ये हो गया 2/√3 और ये पूरा अपॉन, ये 1 का 1 हो गया बच्चों, 1² / ये कुछ करके है तो 1 का 1 लिख देते हैं और √3 का 3 लिख देते हैं। मैं बड़े ही धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे, अब उसको लेकर के मैं यहाँ पे आता हूँ, इस मैटर को लेकर के मैं यहाँ पे आया हूँ। देखिए, बराबर 2/√3 ठीक है ऊपर वाला, और नीचे जब हम एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये 3 हो जाएगा और ये जो है 1/1 समझते हैं, ये भी 3 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। अब आगे जब हम बढ़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 3 और 1 = 4, 4/3। इसको हम लोग फिर कैलकुलेट करेंगे बच्चों, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2/√3 जैसे है वैसे रहने देंगे और इसको जो करेंगे उलट देंगे। पिछले 2-3 वीडियो में मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया भी है और आप इस कॉन्सेप्ट को नीचे की क्लास में समझे भी होंगे कि उलट दिया जाता है, रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। आगे समझते हैं, अब ये 2 है ना तो 2 × 2 = 4 कट गया, बचा क्या बच्चों, थोड़ा यहीं पर आगे ले लेते हैं,
ऊपर तो केवल 3 बच गया और नीचे बच गया 2√3। लेकिन इतना से हमारा आंसर नहीं आने वाला है, तो क्या करें भाई? फिर हम समझाएंगे आपको। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस 3 वाले को, इस 3 को किसी भी 3 को या किसी भी नंबर को 2 बार रूट में लिखा जा सकता है बच्चों। तो इस 3 को हम 2 बार ऐसे √3 मल्टीप्लाई √3 लिखेंगे। अब नीचे तो 2√3 है ही, इससे ये कट जाएगा बच्चों। फाइनली हमारे पास आंसर आएगा √3/2। क्या आएगा? √3/2। यानी कि ये पूरा मैटर को हमने सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आया √3/2। अब इसको हम पूरा अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये √3/2 आप इसको पूरा नोट कर लेंगे, मैं थोड़ा देर रुक जा रहा हूं, जल्दी से नोट कर लेंगे आप। चलिए अब मैं पूरे मैटर को रफ कर रहा हूं, पूरे मैटर को रफ कर रहा हूं। ऐसे देखिए मैंने इसको रफ कर दिया पूरे मैटर। हमारा इसका जो वैल्यू आया है एक्चुअल बनाने के बाद वो आया है √3/2। ठीक है, खूब अच्छे से समझिए, समझाने में दिक्कत नहीं होगी। इसका वैल्यू आया है आपको √3/2। अब ऑप्शन 1 पे बात करते हैं। ऑप्शन 1 है sin 60, तो sin 60 का मान बाबू √3/2 होता है और इसका वैल्यू भी √3/2 आया है, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि और सब ऑप्शन भी चेक कर लिया जाए, चेक कर लेते हैं, थोड़ा एक बार मैं और रिकॉल करा दूं। यानी कि ये जो मैटर दिया है ना, ये sin 60 के बराबर है। बाकी बच गए 3 लोग, इनको भी थोड़ा सा समझ लिया जाए। अगर बी की बात करें बच्चों, तो cos 60 का मान होता है 1/2, नहीं होगा। किसके लिए नहीं होगा? इसके लिए मैच नहीं करेगा। अगर tan 60 की मान बात करें बच्चों, तो इसका ओनली √3 होता है, मैच नहीं कर रहा है, बिकॉज हमारा √3/2 आया है। उसी तरह अगर sin 60 की बात अगर हम करें भाई, सॉरी sin 30 है, तो इसका आता है 1/2, मैच नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने बहुत डिटेल में बताया, आप समझ रहे होंगे। पहले हमने सोल्व कराया और सोल्व कराने के बाद आपको एक एक पॉइंट को समझाया हूं, समझने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, पॉज करके वीडियो को नोट कर लेंगे अच्छे से। चलिए दूसरे क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चलिए बच्चों अब आगे समझने की कोशिश करते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। 1 − tan² 45 / 1 + tan² 45 ऑप्शन है 4। ए में tan 90, बी में 1, सी में sin 45 और डी में 0। देखिए इसको फिर से हम कैरी करके बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैंने लिखा वन का वन लिख दिया हमने, चलिए भाई ठीक है, वन का वन आपने लिखा, और tan² 45 की जगह हमने लिखा 1 का स्क्वायर। क्यों लिखा 1 का स्क्वायर? क्योंकि 1 का स्क्वायर होगा, tan 45 का मान आपको 1 होता है। हमने लिखा 1 + 1²। अब हम थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ेंगे, यहीं पे ले ले रहे हैं, 1 का 1 हो गया और -1² का 1 ही होगा और 1 + 1 होगा, ये कट के हो जाएगा बच्चा लोग 0 और नीचे हो जाएगा 2। फाइनली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा परेशान नहीं हो रहा है, ऑप्शन डी तो ठीक हो ही गया, इसका वैल्यू 0 आएगा। अब बात आती है क्या और सब ऑप्शन पे विचार करना चाहिए? चलिए सीखते हैं, हमारा काम सीखने और सिखाने का है। चलिए अगर ए ऑप्शन का बात करें tan 90 पर, तो tan 90 का वैल्यू क्या होता है? tan 90 का वैल्यू अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर रहे होंगे, तो होता है cos 90
बाई साइन 90, ऐसा कुछ करके होता है। अब कॉस 90 का जीरो साइन 90 का, कॉस 90 का जीरो साइन 90 का वन, थोड़ा सा मिसिंग क्यों, सॉरी मिसिंग जा रहा है थोड़ा सा। देखिए टैन 90 का वैल्यू होता है साइन 90 बाई कॉस 90, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन 90 का मतलब 1 और कॉस 90 का 0, यानी कि ये अनडिफाइन हो गया, तो ये वैल्यू कैरी नहीं करेगा। ठीक है, 1 तो होगा नहीं क्योंकि दिख रहा है 0 आया है, और साइन 45, अगर साइन 45 की बात की जाए भाई, ये आता है 1/√2, आप पढ़े हैं। तो क्या हुआ, पता ये चला हमारा कि इस क्वेश्चन में हमारा आंसर डी है, यानी कि 0 आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, आगे का क्लास हम लोग समझते हैं, आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, तो a का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में 45 और ऑप्शन नंबर डी में 60। हम लोग बारी बारी से जांच करके समझेंगे, टेस्ट करेंगे, देखते हैं। लिखते हैं सिंस एलएचएस, अगर एलएचएस की बात की जाए तो यहां साइन 2a है, और साइन को साइन रहने दीजिए, 2 को 2 रहने दीजिए, a के जगह आप 0 पुट कर दीजिए, ऑप्शन ए लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए लेके चल रहे हैं, तो यहां हो जाएगा साइन और 0 है तो 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री यहां है भी। फिर अगर देखा जाए तो साइन 0 का मतलब कितना होता है, 0। चलिए इसी सेंस में अगर हम आरएचएस का वैल्यू निकालते हैं भाई, आरएचएस, तो ये है 2 साइन ए। अब चलिए 2 साइन 0, तो 2 इंटू 0 क्योंकि साइन 0 का मतलब 0, तो ये भी 0, यानी कि आप देख रहे हैं एलएचएस का मान भी 0, आरएचएस का मान भी 0, मतलब ये जो 0 डिग्री है इस दिए हुए इक्वेशन को, समीकरण को सेटिस्फाई करता है, यानी a बराबर 0 डिग्री इसमें आंसर हो जाएगा। बाकी को टेस्ट करेंगे ऐसे ही तो उसका आंसर नहीं आ पाएगा, तो इसको आप लोग अपने से आगे वाले को कर लेंगे। अब मैं चौथे क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपॉन बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का आंसर कौन होगा, कॉस 60 होगा, साइन 60 होगा, टेन 60 होगा या साइन 30 होगा, इसको भी हम लोग बेसिकली खूब अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, इसको मैं यहीं पर कैरी कर रहा हूं इसका आंसर, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट 3, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसा किया है, 33 का मान 1/√3 होता है, 1 को 1 हमने रखा बच्चों, अब माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं फास्ट लूंगा, अब यहां पर अगर इसको हम करें तो ये तो मेन हो गया, और ये हो गया 2/√3, और ये 1 का 1, और ये 1 का 1, और ये 3 का स्क्वायर केवल 3। याद आ रहा होगा आपको कि पिछले क्वेश्चन में 1/√3 था, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ था और 3 का स्क्वायर 3। आगे समझते हैं बच्चों, ये हो गया आपको 2/√3, और यहां हो गया आपको 3, और ये यहां भी 3 आएगा, माइनस 1 आएगा। अब इसको थोड़ा सा और कैरी करेंगे भाई, तो ये मेन बटा है, ये ऊपर 2/√3 है, वेरी गुड, नीचे है 3 में से गया तो 2 बटा 3, यहां तक समझ रहे हो खूब अच्छे से। अब इसको क्या कर देंगे, उलट देंगे, उलटने का मतलब क्या हुआ भाई,
आप लिखेंगे 2/√3 और मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कट गया। अब हम थोड़ा सा इसको और कैरी आउट करेंगे तो ये 3 है और नीचे 2/3। तो जैसा कि आप जानते हैं और हम बताते भी रेगुलर है, 3 को 2/√3 × √3 लिख दो और ये √3 हो गया भाई, ये कट गया, आगे आपको √3। अब पता करना है, पता क्या करना पर समझना ये है कि इसका पूरा का वैल्यू आया है √3। क्या आया है? √3 आया है। इसको थोड़ा सा हम और समझाते हैं रफ करके, देखिएगा, नोट कर लेंगे सबको खूब अच्छे से कि कैसे कैसे सब कैरी किए, कैसे बनाए सब। चलिए थोड़ा सा हटाते हैं बच्चों, देखिए बात आ रही है कि आपने इसका वैल्यू निकाला फाइनली √3, ठीक है। अब चलिए cos 60, ऑप्शन नंबर ए पर चलते हैं, cos 60 मान होता है 1/2, यानी इससे ये मैच नहीं करता है। बी नंबर sin 60, इसका मान होता है √3/2, मैच नहीं करता है। सी नंबर tan 60, √3 मैच कर गया, मैच कर गया, यानी कि इसका आंसर सी है। क्या है आंसर? सी है। sin 30 नहीं होगा, sin 30 का मान अगर देखेंगे तो इसका 1/2 होता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हमने ऑब्जेक्टिव के 4 क्वेश्चन अभी तक किए हैं। देखते हैं कुछ और समझने की कोशिश करेंगे हम। देखिए बच्चों, आगे मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के रखा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बोल रहा है tan A+B = √3 और tan A-B = 1/3। ए और बी का वैल्यू ज्ञात करना है। हम बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाएंगे, लिखेंगे tan A-B = √3। अब इसी पर हम एक बार और यहां लिखेंगे ऐसे कि tan A-B आपके पास है और ये √3 है, तो लिख देंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि ये tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। tan खत्म हो जाएगा, आपके पास बच क्या जाएगा A-B = 60। एक्चुअली यहां प्लस है बच्चों, तो हम प्लस लेते हैं, ठीक है, A+B = 60 डिग्री। और जस्ट इसके बगल में हम एक और वर्क कर देते हैं, दिया हुआ है tan A-B = 1/√3। आप लिखेंगे tan A-B = tan 30, यानी 30 डिग्री। फिर लिखेंगे बच्चों A-B = 30 डिग्री। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे मिल के आया A+B = 60 और एक और जगह मिल के आया आपको A-B = 30। अब देखिए कैसे बनाते हैं, लिखेंगे एड 1 और 2, यानी एक और दो को जोड़ने पर, तो ये है आपको A+B = 60 और ये है A-B = 30। आप इसको क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, तो बी से बी कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, ए और ए हो जाएगा 2A और ये जाएगा 90, क्योंकि 60 और 30 90। तो A बराबर हो जाएगा बच्चों 90/2, कट के आ गया 45। इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन में A का मान आ गया 45। अब हम क्या करते हैं, B का मान निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पर? यहां पर लिखेंगे पुटिंग A = 45 in first। तो फर्स्ट यहां है, आप लिखेंगे ए की जगह ए यहां है, देखिए क्वेश्चन से ए यहां है, ए की जगह लिखेंगे 45 और प्लस बी का बी और ये 60।
तो हमारा बी बराबर क्या हो गया 60 माइनस इधर जाएगा तो ये भाई घट जाएंगे तो बी बराबर क्या हो गया 15 डिग्री। आप नोट कर ले, मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूं जल्दी से। अगर तेज हो रहा हो, वीडियो फास्ट लग रहा हो तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और नोट कर दीजिए, कॉपी पे बना लीजिए। हम आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, शायद ऐसे कोई पढ़ाए। चलिए देखते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन हमने बनाया और फाइनली हम इसमें कौन कह सकते हैं, नीचे कॉपी में जो नीचे बचेगा जगह वहां पे कह सकते हैं कि हमारा ए बराबर आया है 45 डिग्री और बी बराबर आया है 15 डिग्री। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाई अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये आपको मेरी तरफ से कहना है। बाकी अच्छे रहिए, हमेशा खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एक दिन गैप करके, आज मंडे है, हम लोग मिलेंगे वेडनेसडे को। तब तक के लिए टेक केयर बच्चों, बाय बाय।